पूर्व बीजेपी केंद्र मंत्री चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया है। साथ ही इलाहाबाद कोर्ट ने मामले में पीड़ित लड़की की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, यह पूरी तरह से किसी चीज की एवज में मांगने का मामला है। अदालत ने कहा कि इस मामले में युवती का आचरण आश्चर्यजनक था और उसने फिरौती के लिए आरोपी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। आपको बता दें कि चिन्मयानंद से जुड़ा यह मामला काफी दिनों से चल रहा है। हर बार इस मामले में नए नए खुलासे सामने आते देखे गए। सुनवाई के दौरान इलाहाबाद अदालत में जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने अपने आदेश में कहा, एक लड़की जिसकी वर्जिनिटी दांव पर थी, उसने इस कथित घटना के बारे में अपने खुद के माता पिता या अदालत के सामने एक भी शब्द नहीं कहा। जस्टिस चतुर्वेदी ने कहा कि यह आश्चर्यजनक आचरण है जो अभियोजन की पूरी बात को सरलता से कहती है। खैर, देखा जाए तो इस मामले में लड़की की चुप्पी के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, फिलहाल इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लड़की की खामोशी पर सवाल उठाते हुए अदालत ने कहा, उसने अपने माता पिता के अलावा किसी के सामने कुछ भी नहीं कहा। उस बुरे समय में उसने खुद से चश्मे में फिट खुफिया कैमरा खरीदा, इससे उसने आरोपी के नग्न वीडियो शूट किए। इसके बाद उन वीडियो का प्रयोग आरोपी से फिरौती की रकम मांगने के लिए किया गया। अदालत ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में यह समझना मुश्किल है कि किसने किसका इस्तेमाल किया। अदालत ने पीड़िता और उसके पिता के बीच संबंधों पर भी आश्चर्यजनक रूप से सवाल उठाए। अदालत ने मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर कहा कि एक पिता को अपनी बेटी की स्थिति के बारे में जानकारी उसके फेसबुक अकाउंट से मिलती है। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में पूर्व बीजेपी मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को यौन केस में गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी स्वामी के आश्रम में हुई थी। इसके बाद स्वामी ने कानून की छात्रा और उसके साथियों संग मिलकर उन्हें ब्लैकमेल कर कथित रूप से 5 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था। SIT इन दोनों मामलों में जांच कर रही है। साथ ही SIT ने इस संबंध में आरोप पत्र भी दाखिल कर लिया है। इस मामले में जमानत पर बाहर कानून की छात्रा और उसके अन्य 5 साथियों को नामजद किया गया है। आपको बता दें कि सितंबर में ही स्वामी ने उनके ऊपर लगे यौन शोषण के अलावा लगभग वो सारी चीजें स्वीकार कर ली थी जिसके आरोप उन पर लग गए हैं। वहीं अब फरवरी में उन्हें इलाहाबाद कोर्ट द्वारा जमानत दे देना हैरान करने वाला लगता है। देखा जाए तो यह केस जितना साधारण दिखाई देता है उतना है नहीं। मामले में पूर्ण रूप से अच्छी जांच के बाद ही सब कुछ सामने आ सकेगा। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।